Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 6, name Poets and Pancakes from your book Flamingo of class 12. ये जो chapter है ये Poets and Pancakes के ऊपर है. Poets मतलब कवि और pancake एक brand है. जैसे Blue Heaven, Lakme, Charmies ये सब पॉन्ड्स ये सब ब्रांड है, ब्रांड के नाम. ऐसे ही पैन केक जो है एक ब्रांड का नाम है, मेकअप किट होती है उसका नाम है. अबाउट द ऑथर, लेट अस नो अबाउट द ऑथर. अशोका मित्रन 1931 अ तमिल राइटर रिकाउंट्स हिज इयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माय इयर्स विद बॉस which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. तो अशोका मित्रन जो हैं वो तमिल राइटर हैं और वो अपनी ज़िंदगी के उन सालों को याद कर रहे हैं जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काम किया था और उसके बारे में अपनी बुक माय इयर्स विद बॉस के अपने बॉस के साथ काम किए हुए वर्षों के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है. उसको उसका क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मूवीज़ का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है. आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मूवीज़ का इन्फ्लुएंस रहता है लोगों के ऊपर, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है. द जेमिनी स्टूडियोज़ लोकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है. तो याद रखिए जेमिनी स्टूडियो कहाँ पर लोकेटेड है, चेन्नई में लोकेटेड है. वो सेट अप इन 1940, और ये कब सेटअप किया गया, 1940 में सेटअप किया गया, आज़ादी से पहले. इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म producing organization of India in the early days of Indian film making. Obviously बात है आज़ादी के पहले का है, तो ये बहुत ही पुराना जो है organization India का था और यहाँ पर जो film making थी वो काफ़ी पुराने ढंग की थी, लेकिन सबसे पहली फिल्म मेकिंग यहीं से स्टार्ट हुई. इट्स फाउंडर वॉज S.S. वासन, ये नाम याद रखना होगा आपको क्योंकि ये उन ये यही वहाँ के फाउंडर थे, S.S. वासन. द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स. अब जो अशोका मित्रन हैं उनकी ड्यूटी क्या थी, उनकी ड्यूटी ये थी कि वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ें और उसमें से वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके के जो न्यूज़ हैं उनको कट करें, उनकी क्लिपिंग्स निकालें और उनको एक फाइल में चिपका कर अच्छे से सहेज कर रखें. मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, और इसमें से बहुत सारी ऐसी क्लिपिंग्स होती थी या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते थे जो उनको हाथ से भी लिखना पड़ता था, उन्हें काटा नहीं जा सकता था. ऑल दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली. कहने को तो वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फंक्शन ये करते थे, मतलब उनका जो काम था वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वो न्यूज़पेपर को पढ़ते थे. इसलिए आप समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर कितना एसेंशियल होता है, और जो आदमी न्यूज़ की एक एक लाइन पढ़ रहा हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो, उसको सहेज के रख रहा हो, तो वो कितना अपडेटेड होगा.
तो पूरे जैमनी फैमिली में, मतलब उस फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इतना वेल इन्फॉर्म्ड आदमी नहीं था अशोकामित्रन की तरह, तो वो वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। और ये जो है, जो कहानी है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये उनके उसी बुक में से एक पार्ट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। पैनकेक एक ब्रांड नेम है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, पॉन्ड्स है, फेयर एंड लवली है, और लॉरियल है, ये सब जैसे ब्रांड नेम्स हैं, वैसे ही पैनकेक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का। और वो जेमनी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है ट्रक लोड्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता था। ग्रेटा गार्बो must have used it, Miss Gohar must have used it, Vijayanti Mala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. अब यहाँ पर कुछ हीरोइंस के नाम लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश एक्ट्रेस ही, तो उन्होंने इसे यूज़ किया था। मिस गौहर और वैजयंती माला, आप जानते हैं मिस गौहर और वैजयंती माला इंडियन एक्ट्रेस हैं, इन लोगों ने भी पैनकेक को यूज़ किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री लेटर पीरियड में आई, बाद में आई, तो उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। और जो मेकअप डिपार्टमेंट जेमनी स्टूडियो का था वो ऊपर की अपस्टेयर्स ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर था, सबसे ऊपर वाले माले पे था, और जो कि वो जो बिल्डिंग थी वो कभी रॉबर्ट क्लाइव की, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनका स्टेबल हुआ करता था। वहाँ पर वो घोड़े रखा करते थे, घोड़ों के रहने की जगह थी, रॉबर्ट क्लाइव के घोड़ों के रहने की जगह थी। अ डजन ऑफ अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेट टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। ऐसा कहा जाता है कि और भी बहुत सारी डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स उनके रेजिडेंस हुआ करती थी, उनका रेजिडेंस हुआ करती थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उनकी छोटी सी लाइफ, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, उससे भी छोटी स्टे, मतलब छोटी सी लाइफ में छोटा सा समय उन्होंने मद्रास में बताया। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा लगता है कि वो बहुत मूव करते थे, बहुत घूमते थे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। अब देखिए यहाँ पे उन बताया कि वो बहुत सारी चीज़ें करते थे, इम्पॉसिबल बैटल्स भी लड़ते थे, और इसमें उन्होंने इतने छोटे से टाइम में लड़ाइयाँ भी लड़ी रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में, और शादी भी की मेडन एक कुंवारी लड़की से, और चर्च में मद्रास के सेंट जॉर्ज चर्च में उन्होंने जो है शादी की, सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। सेंट मैरी चर्च का नाम है और फोर्ट का मतलब किला है, सेंट जॉर्ज किला, और वो मद्रास में सिचुएटेड है। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। अब जो मेकअप रूम हुआ करता था उस समय का, वो कैसे देखने में था, वो सैलून के टाइप में था, जो कि बाल काटने वाला जो पार्लर होते हैं वहाँ जाइए तो जैसे शीशे लगे होते हैं,
तो आधे दर्जन से ज्यादा शीशे लगे थे, चारों तरफ चेहरे ही चेहरे दिख रहे थे और लाइट्स लगी हुई थी। लाइट्स आजकल की जैसे एलईडी लाइट नहीं होती थी, वो भारी भरकम लाइट होती थी जिससे गर्मी बहुत ज्यादा आती थी। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट, एज आई हैव टोल्ड यू इनकैंडेसेंट लाइट, वो बहुत ज़्यादा उनमें गर्मी होती थी, हीट होती थी जो ये कर दें एकदम लाल कर दें ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती थी, ब्राइट लाइट होती थी। सो यू कैन इमेजिन द फेरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। और तो आप सोच ही सकते हैं उन लोगों के बारे में जो फेरी मतलब लाल पड़ जाते थे मेकअप करवाने में, मेकअप करवाते समय जिनको ये दिक्कतें बर्दाश्त करनी होती थी। क्यों बर्दाश्त करनी होती थी? क्योंकि वो तो ब्यूटी पार्लर था ही और वहाँ शीशे भी थे, शीशे पे ये लाइट पड़ती थी, उसकी रिफ्लेक्शन होती थी और हीटअप होता था, बिल्कुल बेहाल हो जाते थे जिनको मेकअप कराना होता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई अ बेंगोली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लिफ्ट। जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो पहले एक बंगाली के अंडर में था और वो धीरे धीरे बहुत रिनाउंड हो गया और रिनाउंड होने की वजह से उसने वो मेकअप डिपार्टमेंट छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, उसके बाद उनकी जगह पर एक महाराष्ट्रियन आए हु वॉज असिस्टेड बाय उनके अंडर में एक जन और आए जिनका नाम था धरवार कनाडिगा एंड आंध्रा, वो आंध्रा से थे। अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आधी इंडिया वहाँ पर मौजूद थी। ऑल दीज शोज दैट देयर वॉज अ great deal of national integration long before AIR All India Radio and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। अब ये चीज़ तो पहले से ही हमें कहाँ पे दिख रही थी, कहाँ पे दिख रही थी? जर्मनी स्टूडियो में, जर्मनी फिल्म इंडस्ट्री में हमें ये चीज़ पहले से ही नेशनल इंटीग्रेशन की झलक दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्र से भी लोग थे, मद्रास से भी लोग थे, चेन्नई से भी लोग थे, तमिल से भी लोग थे, तो वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन पहले से ही दिख रही थी, जो बाद में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर दिखाया जाने लगा, इस पर प्रोग्राम आने लगे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truck load of pancake and a number of other locally made position and lotions। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो gang of इंटीग्रेशन थी, ये जो एकजुट भाईचारा दिखाते हुए नेशनलिटी के जो चिंतक थे, चारों दिशाओं से लोग जो आए हुए थे और मेकअप यूनिट बनाए हुए थे, वो लोग क्या करते थे? एक डिसेंट लुकिंग अच्छा खासे बंदे को, जो अच्छा खासा दिख रहा है बंदा, उसको ये लोग क्या कर सकते थे? हर्डियस क्रिम्सन मतलब भयंकर रूप से ऐसा मेकअप करते थे कि वो कैसा भद्दा, अगली, हर्डियस मतलब अगली सा होके, मतलब रेड सा मॉन्स्टर रूप, एक अच्छा खासा इंसान को वो भूत बना सकते थे, राक्षस जैसा दिखा सकते थे मेकअप के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रक loads of pancake and a number of other local made position and lotions। positions liquid होता है और lotions तो आपको पता ही क्या होता है, तो इन सब के help से ये ऐसा makeup कर देते थे। those were the days of mainly indoor shooting।
वो समय था जब इंडोर शूटिंग हुई करती थी। आजकल तो जितनी भी मूवीज होती हैं वो फॉरेन में ही शूट होती हैं, अच्छी अच्छी लोकेशंस, हिल्स और ये, और स्टंटमैन भी हो गए हैं तो लाइव शूटिंग्स भी होने लगी हैं, हीरो हीरोइंस भी टेक्स देने लगे हैं, रियल टेक्स देने लगे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, कार में बैठे हैं तो पीछे पर्दा होता था और उसमें वो हीरो हीरोइन बैठ के खाली स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, ऐसा होता था। तो इंडोर शूटिंग होती थी क्योंकि इतना पैसा नहीं होता था कि खर्च किया जा सके उस पर, तो पहले ज़्यादा इंडोर शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर, खाली 5%, 100 में से 5 मूवी जो हैं वो आउटडोर शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5% फिल्म वर शूटेड आउटसाइड। आई सपोज द सेट एंड द स्टूडियो लाइट needed the girls and the boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. तो अशोका मित्रन कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था देखकर कि अच्छे खासे लड़के लड़कियां जो हैं उनको जब पोत पात के लीपा पोती करके जब भद्दा कर दिया जाता था तब वो प्रेजेंटेबल लगते थे मूवी सेट पे। मतलब जो ओरिजिनल हैं वो ओरिजिनल ना दिखाकर उनको खूब लीपा पोती, उनके चेहरे को खूब मेकअप करके जब कैमरे के आगे फेस किया जाता था तब वो अच्छे लगते थे। द स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की होती है जो मतलब आपके ऊपर लीडर, लीडर के एक सबसे हायर अथॉरिटी होगी, उसके नीचे एक अथॉरिटी होगी, उसके नीचे एक अथॉरिटी होगी, उसके नीचे, तो ये हायरार्की कहलाती है। ओके, सो द चीफ, उसमें सबसे पहले कौन था? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन द जूनियर असिस्टेंट, द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले चीफ मेकअप मैन होता था, चीफ मेकअप मैन मेन एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाता था, मतलब उनका मेकअप करता था, उनको नेचुरल से अननेचुरल फॉर्म देता था। फिर उसके बाद सीनियर असिस्टेंट होता था जो दूसरे हीरो हीरोइंस को सेट करता था, फिर जूनियर असिस्टेंट होता था जो कॉमेडियंस का मेकअप करता था, एंड फोर्थ और लोगों का करता था, कॉमेडियन विलन्स इन लोगों का, और जो ढेर सारे लोग हुआ करते थे जो मूवीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे उनका जो मेकअप करता था, जो क्राउड जो भीड़ है उनका जो मेकअप करता था वो ऑफिस बॉय करता था। तो उनका मेकअप जो है वो ऑफिस बॉय करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, और जेमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था। वन डे ऑन द डे व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल। और जिस दिन क्राउड शूटिंग होती थी, मतलब भीड़ दिखानी होती थी फिल्म में, तो उस दिन आपको देखकर हैरानी होती कि वो क्या करता था, एक बड़े से जाइंट बड़े से बर्तन में क्या करता था, पूरा मेकअप मिक्स करता था, पेंट मिक्स करता था, स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और फिर वो थपेड़े मार मार कर मुंह पे ऐसे जैसे लगता है दीवारों पे पेंट किया जा रहा है वैसे मुंह पे थपेड़े मार मार कर सबका मेकअप करता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और आइडिया क्या था, ऐसा वो क्यों करता था? ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि उसका
उसके दिमाग में था कि एक भी चेहरे का कॉर्नर ऐसा बचे ना जो कि मेकअप जिस पे लगाना हो, जहाँ पर मेकअप का लेप ना हुआ हो, मतलब एक भी पोर खुला हुआ, एक भी छिद्र खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा फेस मेकअप से ढका हुआ होना चाहिए। He wasn't exactly a boy. वो एक कोई लड़का नहीं था जो ये काम कर रहा था। He was in the early 40. वो 40s में थे, वो 40 साल के थे जो ये काम करते थे, जिनको ऑफिस बॉय का नाम दिया गया था। Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyric writer, he was a bit of a poet. और वो 40s में थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पहले आए थे, ये सोच के आए थे, ये आशा करके आए थे कि वो एक स्टार एक्टर बन जाएंगे या टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएंगे या डायरेक्टर बन जाएंगे या लिरिक्स लिखने वाले बन जाएंगे, लिरिक्स राइटर बन जाएंगे। और उनमें एक और क्षमता थी पोइट्री करने की, तो वो ये भी सोचते थे कि मैं पोइट ही बन जाऊँगा। तो ये सारी आशाएं लेके वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। इन दोज डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। अब देखिए, फ्रेंच विंडोज हमें भी नहीं पता है क्या कैसे तरीके के इंडियन विंडोज होते हैं, कैसे फ्रेंच विंडो होते हैं, ड्रैग करने वाले ये खुले होते हैं, ऐसे विंडोज होते हैं जो खुलते हैं, ओपन करते हैं, तो वो फ्रेंच विंडो कहलाते हैं। तो वो कहते हैं हम क्यूबिकल सेंटर में बैठते थे, मतलब एक रूम को पार्टीशन किया गया था और उस पार्टीशन को क्यूबिकल शेप दिया गया था, उसमें दो तरफ फ्रेंच विंडोज थी। और राइटर खुद ही कह रहे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता था कि फ्रेंच विंडो किसे कहते हैं, बाद में पता चला कि इसे फ्रेंच विंडो कहते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। और उस क्यूबिकल रूम के अंदर बैठकर जो मैं कागजों को फाड़ा करता था दिन रात, तो लोग मुझे देखकर यही सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। इट इज लाइक दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। मुझे ऐसा लगता था कि बॉस भी कहीं ऐसा ही ना सोचते हों। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बर्ग इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। और जिसे भी लगता था कि मतलब कोई काम देना है, कुछ ऑर्डर देना है, तो वो मेरे क्यूबिकल सेंटर में आकर, रूम में आकर मुझे लेक्चर दे कर चला जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड ऑन हाउ ग्रेट लिटररी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर द बार्बर्स एंड परवर्ट्स। तो जो लड़का है, ऑफिशियल बॉय जो है, जो 40 इयर्स के हैं, वो आकर इनके डिपार्टमेंट में इनको बार बार इस चीज़ का से अवगत कराना, इनलाइटन कराना चाहते थे, बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे कि कितना बड़ा टैलेंट, क्योंकि वो क्या 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 बनना चाहते थे। देखिए यहाँ पे कि वो स्टार एक्टर भी बनना चाहते थे, टॉप स्क्रीन राइटर भी बनना चाहते थे, डायरेक्टर भी बनना चाहते थे, लिरिक राइटर भी बनना चाहते थे, पोएट भी बनना चाहते थे। तो वो कहते हैं द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड दैट आई शुड बी इनलाइटेंड, मुझे इसका ज्ञान हो जाए कि हाउ ग्रेट लिटररी टैलेंट हैज़ बीन वेस्ट, मतलब उनका टैलेंट जो है वेस्ट हो रहा है, और ये डिपार्टमेंट तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बार्बर हैं, जो कि बाल काटा करते हैं, कैंची से कुछ ना कुछ काटा करते हैं। वो इंडिकेट कर रहा है अशोक मित्रन को, जो कि कागज काटा करते हैं, और बार्बर्स एंड परवर्ट्स।
के लिए ये जगह है, मेरे जैसे इंटेलिजेंट आदमी का जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। अब ऐसा होने लगा कि मैं बहुत बार बार क्या करने लगा, मैं प्रे करने लगा। मैं ईश्वर से बार बार प्रे करता था कि हे ईश्वर, रोज क्राउड शूटिंग हो। क्यों ऐसा करने लगा? इसलिए क्योंकि वो जो ऑफिशियल बॉय था वो मुझे इतना इरिटेट करता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। मतलब वो अपनी एपिक्स जो कि कहानियाँ हैं, पोएम्स हैं, लंबी लंबी पोएम्स हैं, उसको सुनाता था। तो मैं इसलिए ईश्वर से हमेशा प्रे करता था कि आज क्राउड शूटिंग हो जाए। और ऐसा होने से वो बिजी हो जाएगा, और वो बिजी हो जाएगा तो मैं चैन की सांस ले पाऊँगा, मुझे परेशान नहीं करेगा। इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्डली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज, गोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोथा मंगलम शुभू। अब ये जो इंस्टेंट है, इन ऑल द इंस्टेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो उसको फ्रस्ट्रेशन था बॉय को, ऑफिशियल बॉय को, और जो लोग मतलब डायरेक्ट करते थे, गुस्सा होते थे, लोग आके उसके ऊपर झल्ला जाते थे, मेकअप डिपार्टमेंट में जो भी वोस थे, बदुआएं जो देते थे, या कुछ भी एगनी थी, जो दुख था और निग्लेक्शन था, उसे लगता था ये सब किसकी वजह से है? कोथा मंगलम शब्बू की वजह से है। वो ऑफिस बॉय यही समझता था। शब्बू वॉज द नंबर टू। अब यहाँ पर नंबर टू शब्बू है, शब्बू नंबर टू है, तो नंबर वन कौन है? नंबर वन है SS वसन, जो कि फाउंडर है। तो SS वसन के बाद शब्बू आते हैं। शब्बू एट जेमिनी स्टूडियोज, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन इज शब्बू। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो ओपनिंग थी, इंकरेजिंग ओपनिंग नहीं थी जितना कि अपने मेकअप बॉय की थी, बहुत अच्छा नहीं ये कर पाए। On the contrary, he must have had a face more uncertain and difficult times. मतलब ये ऐसे बंदे थे, भले ही इनकी ओपनिंग नहीं अच्छी हुई थी, लेकिन हर मुसीबत के टाइम में हर इंसान को इन्हीं का चेहरा याद आता था। On the contrary, he must have had a face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies and studios. जब इन्होंने अपना, सबू ने अपना करियर शुरू किया था, तब कोई भी फर्मली मजबूती से फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी थी, नहीं पकड़ बनी हुई थी फिल्म इंडस्ट्री, कोई प्रोडक्शन नहीं था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, स्कूली पढ़ाई के बारे में, शब्बू कुडेंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। उस ऑफिशियल बॉय से ज़्यादा पढ़े लिखे ये नहीं थे, बट बाई वर्च्यू ऑफ बींग बॉर्न ब्राह्मण, एक फ़ायदा इनको था, इनका जो लक था बहुत बड़ा काम कर रहा था, वर्च्यू था इनके पास, अ वर्च्यू इंडीड, एक बहुत फ़ायदेमंद बात ये थी कि ये ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण्स को उस समय बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशन, अच्छी सिचुएशंस इन्होंने ज़्यादा फेस की होगी, क्योंकि ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण लोगों की बहुत रिस्पेक्ट होती है, और रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत लोगों के साथ इनका मिलना जुलना भी रहा होगा। अफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल, ये उठते बैठते रहे होंगे लोगों के साथ। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, हर समय ये खुश दिखते थे, इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड
इन अ फ्लॉप फिल्म, अगर इनकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तब भी ये मुस्कुराते रहते थे कि चलो इस बार फ्लॉप हो गई, नेक्स्ट टाइम हिट हो जाएगी. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी न किसी के लिए उनके पास काम होता था. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, मतलब किसी न कोई भी सामने आता था तो वो फट से कहते थे ये काम करके लाओ, ये काम करके लाओ. ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑफ हिज ओन, वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर इतनी थी और बहुत अच्छे से वो दूसरों से काम करा लेते थे. बट हिज सेंस ऑफ लॉयलिटी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज. जैसा कि मैंने बताया उनके अंदर क्या थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, तो लीडरशिप क्वालिटी के तहत वो अपने काम को करवा लेते थे लॉयलिटी से, दूसरों से करवा कर, और अपने मालिक के प्रति कम्प्लीटली वफादार रहते थे. प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब अपने मालिक के प्रति वो पूरा डिवोटेड रहते थे और उनके एडवांटेज में, उनके फायदे में काम, मतलब फायदा हो ऐसा काम करते और करवाते थे. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, उन्हें टेलर बनाया जाता हुआ, मतलब वो क्या करते थे, टेलर्स बनाते थे फिल्म्स का. Here was a man who could be inspired when commanded. और ये जो आदमी थे वो मतलब इंस्पायर होते थे जैसे ही कमांडेड, मतलब तुरंत कमांड, जैसे ही कुछ भी कहीं भी फंसता था तो वो इंस्पायर हो जाते थे. द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली. I don't know how to do the scene. अब ऐसी कभी कभी सिचुएशन आती थी कि जैसे एक चूहा है वो शेरनी से पानी के अंदर लड़ रहा है और वो उस चूहे ने उस शेरनी को मार भी डाला, लेकिन अब उस चूहे को उसके बच्चों पे दया आ रही है. तो प्रोड्यूसर कहते थे कि हमें इस सीन के बारे में अब कैसे इसको शूट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा. द प्रोड्यूसर वुड से एंड शब्बू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम. शब्बू तुरंत का तुरंत उसका सोल्यूशन लेके हाजिर हो जाते थे, चार सोल्यूशंस उनके पास जरूर होते थे तुरंत, कैसे अफेक्शन ये करेगा, कैसे ओवरपोर करेगा, कैसे ऑफस्प्रिंग करेगा. और प्रोड्यूसर तब कहते थे गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ. तब वो कहते थे कि हाँ अच्छा बता रहे हो लेकिन ये काम करेगा कि नहीं करेगा ये हमें नहीं पता है. द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट शब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स. जैसे ही प्रोड्यूसर कहते थे कि ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा तो शब्बू और 14-15 अल्टरनेटिव्स लेके हाजिर हो जाते थे. इतना शार्प माइंड था उनका कि वो तुरंत का तुरंत अल्टरनेटिव्स तैयार रखते थे. फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विथ अ मैन लाइक शब्बू अराउंड एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर इट वॉज शब्बू. कहते हैं फिल्म मेकिंग आसान हो जाती थी शब्बू के रहने पर, मतलब शब्बू का होना फिल्म मेकिंग के लिए जान था, वो जान थे, वो मतलब हार्ट एंड सोल थे. और जो गोल्डन पीरियड था जेमिनी स्टूडियो का वो शब्बू की वजह से ही था. शब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वॉज अ सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मास. देखिए एक क्वालिटी और शब्बू की है कि वो एक बहुत अच्छे पोएट हैं और बहुत उमदा क्वालिटी के पोएम्स लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब और गहन भाषा में या कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिख सकते हैं, हायर फॉर्म्स और गहराई से लिख सकते हैं, लेकिन डेलिब्रेटली जानबूझकर वो अपने पोएम्स को मास के लेवल पे लिखते थे. मास मतलब जनता की,
लोगों के समझ में आए ऐसे लेवल पे वो लिखते थे, जिससे कि वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे, उससे लोग उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे थे। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शेडोड एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट। अब फिल्मी दुनिया की सक्सेस इनकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स है उसको बौना कर दे रही थी, उनको उनकी पोएट्री को ढक ले रही थी, वो खुलकर नहीं आ पा रहे थे। और सो ही हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसा ही उनके क्रिटिक्स में अनुभव किया गया। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोम्स इन फोक रिफेन एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉवलिंग नॉवल थिलाना मोहनाम्बल विद डजन्स ऑफ वेरियस डेफ्टी ईच कैरेक्टर। तो इन्होंने बहुत सारे मतलब कंपोज किए, बहुत ओरिजिनल स्टोरीज लिखी, पोम्स लिखी, और थिलाना मोहनाम्बल के नाम से कई सारे इन्होंने पोम्स लिखे, नॉवल लिखे। उसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से मतलब वेरियस तरीके से डिफरेंट डेफिनेटली जो कि तरह तरह विभिन्न तरीकों से कैरेक्टर्स को क्या किया, डिफाइन किया, बताया है और अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। अब ये देखिए एक इविल है ये भारत के लिए, ये बंद हो गया, ये बैन हो गया, लेकिन उस समय ये पॉपुलर था, 1940 की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है देवदासी प्रथा चलती थी उस समय कि कुछ लेडीज़ क्या करती थी, अपने आप को पूरी फुल्ली डिवोटेड कर देती थी किसी भी मंदिर को, और वो वहाँ पे रहकर पूरा देख रेख और सारी चीज़ें करती थी। तो देवदासी प्रथा के बारे में इन्होंने बहुत मतलब बहुत सक्सेसफुली इन्होंने उसको क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया और बहुत अच्छे से उसको डिपिक्ट किया है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। वो इतने पोएट ही अच्छे नहीं थे, वो बहुत अच्छे एक्टर भी थे। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें लीड रोल मेन रोल मिले, बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। और उनको जो भी रोल मिल जाता था, छोटा मोटा रोल मिल जाता था, उस रोल को वो इतने अच्छे से परफॉर्म करते थे कि जो मेन प्लेयर होते थे, जो मेन एक्टर होते थे, वो भी उतना अच्छा नहीं कर पाते थे। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेटेंस। अब वो एक जेन्युइन वास्तविक इंसान थे, मतलब उनमें दिखावा नहीं था, वो असली डाउन टू अर्थ पर्सन थे। उनका प्यार सबके, जिससे वो मिलते थे वो उसके वो हो जाते थे, तो उनका प्यार सबके लिए था और उनका घर सबके लिए खुला हुआ था, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो उनका दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो या उनका जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, सब उनका घर सबके लिए खुला हुआ था। इट सीम्स अगेंस्ट शाबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। और शबू के नेचर में ही नहीं था, मतलब वो इतने कभी कॉन्शियस हुए नहीं कि इतने लोग खा रहे हैं, खाना बन रहा है, कैसे अनाज आ रहा है, कैसे हो रहा है, वो कभी ये सब सोचते नहीं थे। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज। इतना चैरिटेबल, इतना समाजसेवी और इतना इम्प्रोविडेंट, मतलब इतना डाउन टू अर्थ आदमी, कभी क्या मतलब ऐसे इंसान के भी शत्रु हो सकते हैं? वॉज इट बिकॉज ही सीम्स सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस?
शत्रु इसलिए क्योंकि वो अपने बॉस के बहुत करीब था, इसलिए शत्रु। और वॉज इट ही जर्नल डेमिन्योर दैट रिजेंबल्स अ साइकोफेंट, मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो बॉस के करीब था इसलिए लोग उससे जलते थे, या वो चापलूस था, साइकोफेंट था, वो चापलूसी करता था जनरली, मतलब लोगों के दिमाग में ये था कि वो क्या है, वो चापलूस है इसलिए। और ही हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीवन, या इसलिए उसके एनिमीज थे क्योंकि वो सबके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोलता था, वो बुरा नहीं बोलता था। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डियरेस्ट थिंग फॉर शब्बू। अब ये जो ऑफिशियल बॉय था वो चाहता था, ये आदमी चाहता था कि शब्बू के साथ सबसे डियरेस्ट, सबसे बुरी चीज़ हो जाए, कुछ ना कुछ इसके साथ शब्बू के साथ हो जाए। यू सॉ शब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल द स्टोरी डिपार्टमेंट कॉम्प्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट। अब शब्बू को लोग कहते थे कि वो बॉस के पीछे पीछे लगा रहता है या बॉस के ही साथ रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो जिस डिपार्टमेंट का था, वो किस डिपार्टमेंट का था, उस डिपार्टमेंट का नाम स्टोरी डिपार्टमेंट था, जिसमें कुछ लॉयर्स थे और कुछ राइटर्स थे, कुछ पोएट्स थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइज़र, जो लॉयर था वो लीगल एडवाइज़र के नाम से भी जाना जाता था, बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। और ये जो लीगल एडवाइज़र था उसको लोग लीगल एडवाइज़र ना कह के इलीगल एडवाइज़र कहते थे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the set while everyone stood stern. बहुत ही अच्छी talented actress थी वो जो है वो, लेकिन temperamental थी, short tempered थी, और उस दिन वो set पे चिल्लाने लगी वाइल सभी जो दूसरे थे वो देख के स्टंट भौचक्के रह गए। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और लॉयर जी को देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था उसको ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड, जब एक्ट्रेस रुकी फॉर ब्रेथ, द लॉयर सेड टू हर, जब वो सांस लेने के लिए रुकी एक्ट्रेस, तो लॉयर ने उनसे कहा, वन मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज रुकिएगा, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उन्होंने वो उन्हीं की जो बात उन्होंने कही थी उन्हीं की रिकॉर्डिंग बजा दी। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, ऐसा कुछ नहीं था कि बेइज्जती करने वाला कुछ ये हो, और अनमेंशनेबल रूल अबाउट द एक्ट्रेसेस ट्रेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब गड़बड़ नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन जो भी बोला था वो प्रोड्यूसर के उसमें वो सारी चीज़ें प्ले होने लगी, वो बजने लगी। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, और जब लेडी ने अपनी ही आवाज़ सुनी रिकॉर्डर के थ्रू, शी वॉज स्ट्रक डम्ब, एकदम वो भौचक्की सी रह गई कि ये क्या मैंने कर दिया, ये क्या मुझसे हो गया। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो जो हीरोइन थी वो रूरल एरिया से थी, गाँव से थी, शी हैडंट gone through all the stages of worldly experience, और इन सब का उसको experience नहीं था कि कैसे behave करना चाहिए, that generally precedes a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. मतलब उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसको इसमें ड्रैग कर लिया जाएगा, वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है।
शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और वो फिर कभी भी रिकवर नहीं कर पाई, फिर वो उसने काम ही नहीं किया फिल्म में, कभी वो स्टूडियो ज्वाइन ही नहीं किया इन लीगल एडवाइजर की वजह से. दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर. और इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग करियर जिस लेडी का स्टार्ट होने वाला था वो इस लीगल एडवाइजर की वजह से ख़त्म हो गया. हु वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और जो कि लीगल एडवाइजर उस स्टोरी डिपार्टमेंट के मेम्बर थे. हैड विटिंगली बॉट अबाउट द सैड एंड, और मतलब ना चाहते हुए भी उन्होंने एक एक्ट्रेस का करियर ख़त्म कर दिया था. वाइल एवरी अदर मेम्बर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, खादी धोती with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. सभी जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो एक ही तरीके से ड्रेसअप होते थे, खादी की धोती पहनते थे और ढीला ढाला कुर्ता पहनते थे, खादी का शर्ट पहनते थे खादी की. The legal advisor wore pant, वो पैंट पहनते थे, and a tie, and sometimes a coat that looked like a coat of mail. Coat of mail, आपने अगर बाहुबली मूवी देखा है तो उसमें रक्षा कवच की तरह लोहे का पूरा सीने पे छत पहना जाता है, वैसा कुछ पहन लिया करते थे वो कपड़े का बना हुआ. Often he looked alone एंड हेल्पलेस, अक्सर वो अकेले ही पाए जाते थे और हेल्पलेस पाए जाते थे. अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अब पोएट हैं, राइटर्स हैं, ये लोग तो अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, और ये क्या है अ मैन ऑफ लॉजिक, क्योंकि ये तो लीगल एडवाइजर हैं, तो ये लॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और वो पोएटिक वर्ल्ड में रहते हैं, वो ड्रीमर्स, तो उसमें ये अकेले बैठे होते थे, ना बोलना है ना चालना है. अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधिस्ट एंड खादिस्ट, तो एक न्यूट्रल, ना ही इधर के ना ही उधर के, न्यूट्रल हैं ये, और किस में बैठे रहते हैं, असेंबली में, ग्रुप में, गांधी और खादी जो विचारधारा के लोगों के बीच में बैठे रहते हैं. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एंड दो अ लॉट of raw stock and pan were used on it, not much came of the film. जो भी बॉस के थोड़ा बहुत क्लोज होता था, मतलब लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू बॉस वर अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, फिल्म प्रोड्यूस करने की परमिशन थी. तो इनके जो फिल्म इन्होंने बनाई लीगल एडवाइजर ने, उसमें रॉ स्टॉक बहुत यूज़ हुआ, पैन केक्स बहुत यूज़ हुआ, मेकअप बहुत यूज़ हुआ, लेकिन जो फिल्म है वो अच्छी निकल के नहीं आई. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंट इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर asked to go home. और ये पूरी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि स्टोरी डिपार्टमेंट जो बंद हुआ उसमें पोएट और राइटर्स हुआ करते थे, और पोएट्स और राइटर्स को घर जाने के लिए बोला गया था, इसलिए इस लीगल एडवाइजर की भी जॉब चली गई. क्योंकि वो स्टोरी डिपार्टमेंट का हिस्सा था. So children, for today I am keeping it till here. This is the first part. I will be back with the second part. If you have any confusion, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. See you in the next video. Till then, keep on reading, keep on enhancing. Bye-bye.